स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज के इस भोर की महत्वपूर्ण वेला में जब संपूर्ण संसार प्रणजी विश्राम के साथ बात है अपने कामकाज में लगा हुआ है, परंतु आज आपके चंद्र बेटे और बेटियां प्रभु आपकी भक्ति और आराधना के लिए अपना बहुमूल्य समय आपकी उपस्थिति में गुजार रहे हैं, और इस महत्व को समझने के लिए इस समय हम चिंतन और मनन करते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है आप अपने अनुग्रहों को बढ़ाएं और शिक्षा के इस सत्र पर आप हमें आगे ले चलें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि आज की सुबह परमेश्वर ने हमें एक बार फिर यह समय दिया कि हम सब जो अपना बहुमूल्य कीमती और ताजा समय परमेश्वर के साथ गुजारते हैं उसके पीछे वास्तव में उद्देश्य क्या है। और इससे पहले हम अपने सत्र में दूसरे कुरिन्थियों की किताब के 10वें अध्याय की 5वें पद की ओर चिंतन और मनन कर रहे थे कि चौथे पद में यदि हम देखें तो हमारी लड़ाई इट्स अ वॉरफेयर टू वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना एक लड़ाई लड़ने के समान है। अब सवाल ये उठता है कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। कई बार हमारी धारणा होती है कि हम शैतान से लड़ने जा रहे हैं, ये वाला ड्रामा बहुत बात की बात है, परंतु अंधकार की शक्तियों के साथ में लड़ाई का जो आधार है, ये जो वॉरफेयर है, वह सबसे पहले खुद के जीवन के अंदर लागू होता है। हमें स्वयं के अंदर रहने वाले मैं नाम के व्यक्ति के साथ में लड़ाई लड़ना हमारी प्रारंभिक लड़ाई का आधारभूत सिद्धांत है। इसलिए बाइबल कहती है हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं वरन गढ़ों को ढह देने के लिए। गढ़ का मतलब होता है किला, एक मोटी दीवार जो शहर के इर्द गिर्द पाई जाती है। कुछ हमारे भी और परमेश्वर के बीच में गढ़ या किले की दीवार के समान एक ऐसा वातावरण है जिससे कि हमारा आमना और सामना उस परमेश्वर के साथ ना हो पाए। तो वो किला जो है वो है क्या चीज, यहाँ पांचों पद में हमने देखा। सो हम कल्पनाओं को, जो हमारे नियंत्रण की चीज है, ऊंची बात को जिसको हम अपने मन में क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, और भावनाओं को जो हमारे डीएनए में हैवी डिजी में पाई जाती है, ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से दी गई हैं। कल्पना परमेश्वर का वरदान है। हमारा मन बहुत अच्छा अपने बारे में सोचना चाहिए, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि है। और भावना इमोशन एक व्यक्ति होने का गुण है। अब आप कहेंगे हे प्रभु तुझे कल्पना दिया है, ऊंचे सोचने का मन दिया है और भावना दी है, फिर आप उनको हमारे और आपके बीच में गढ़ क्यों बनाते हैं। देखिएगा परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है। उसकी सबसे बड़ी महानता यह है कि उसने कभी इंसान को गुलाम नहीं बनाया, नहीं तो विचारों की चाबी अपने पास न रखने पर तो हम तो कंप्यूटर बन गए होते। इसलिए स्वर्ग के जितने भी स्वर्गदूत हैं वे स्वेच्छा से विचार आने जाने दे सकते हैं, नहीं तो लूसिफर के दिमाग में ऐसे विचार जो उसको शैतान में बदल सकते हैं आने से परमेश्वर पहले ही रोक लेगा। यदि उसने स्वर्ग में रहने वालों को भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है कि वे परमेश्वर के बारे में भला सोचे या बुरा सोचे, अपने बारे में भला सोचे या बुरा सोचे, यदि ये स्वतंत्रता स्वर्गदूतों को है तो परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर रहकर स्वतंत्र बनाने का जो एजेंडा रखा है, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अपनी रचना को
कभी गुलाम नहीं बनाता, मैं कंप्यूटर को चाबी भर दूं और वो आकर के मुझको बार बार सेल्फ मारे, उसमें मेरी क्या महानता है भाई। वो तो खुद अपने आप में चाबी के अनुसार काम कर रहा है, मैंने उसको फीड कर दिया हूं ऐसे सावधान रहना है, सेल्फ मारना है। परंतु एक इच्छाधारी व्यक्ति अपनी भावना से हमारा आदर करता है तो उस आदर में दम रहता है। एक नौकर साहब को तो सैल्यूट मारेगा ही मारेगा, परंतु एक आम व्यक्ति जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यदि वह हमें आदर और सम्मान दे रहा है तो जरूर हमारी महानता सामने आती है। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर पिता ने स्वर्ग की रचनाओं को दबावपूर्ण आराधना, इस सृष्टि के अंदर में रहने वाले मानव को दबावपूर्ण रीति से परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते रहने के लिए उसने नहीं बनाया। नहीं तो ये तो एक डिक्टेटरशिप हो जाती, परंतु प्रभु ने हमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है कि हम उसकी भक्ति का चुनाव करें। और कल हमने शराब से आजादी के मामले में भी ये पढ़ा था, व्यवस्था विवरण की किताब के 30वें अध्याय के 18वें पद में, कि मैंने जीवन और मरण और आशीष और श्राप तेरे सामने रखा है, पर मैं चाहता हूं, मेरी सलाह है कि तू जीवन को और आशीष को चुन ले, कि तू और तेरा वंश बना रहे। पर परमेश्वर हमको सलाह देते हैं, दबाव नहीं देते, मानना और नहीं मानना आपकी बस की बात है। तो परमेश्वर ने हमको कल्पना दिया है, नहीं तो हम रोबोट हो गए होते। हमें सोचने की शक्ति दी है, हम अपने बारे में भला सोच सकते हैं, और उसने हमको भावना दिया है। यदि इमोशन को मनुष्य के जीवन से समाप्त कर दिया जाए तो वह एक मशीन की तरह हो जाएगा। परंतु इसके बाद भी परमेश्वर ने, यदि कोई व्यक्ति मेरा चुनाव करे तो जो गुण मैंने तुम्हारे अंदर दिए हैं उनको अलग करने के बाद मेरे रास्ते का चुनाव करना ही तुम्हारे द्वारा किया गया वह समर्पण है जिसको मैं प्यार करता हूं। याद रखिएगा, इसलिए प्रभु जी बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर में मेरे ही द्वारा उत्पन्न की गई कल्पनाएं ऊंची बात और परमेश्वर की भावनाएं जो ऊंची बात है, जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती हैं, उन सबको अपने अधिकार में लेने के द्वारा मुझे ये पता चलेगा कि तुम मेरे रास्ते का चुनाव करते हो। अदन के बगीचे में भी तो उसने जीवन का पेड़ लगाया था, और बाजू में भले और बुरे के पेड़ को लगाने की गलती क्यों की, उसको ये भी तो मालूम था कि आदम जो है वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लेगा। न रहता बांस न बैस की बांसरी, न रहता जीवन का पेड़, न इंसान को आदि लालसा की भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाए। परंतु उसने अदन के बाग में जीवन के पेड़ और उसके बाद में भले बुरे के ज्ञान के पेड़ को लगाने के द्वारा चुनाव हमारे हाथ में डाल दिया कि तुम्हें जीवन का पेड़ चुनना है या भले बुरे के ज्ञान का पेड़ चुनना है। याद रखिएगा, परमेश्वर की परमेश्वरत्वता इस बात में है कि मैं उसका चुनाव करूं। इसीलिए मुझे यदि परमेश्वर का चुनाव करना है तो हमारे अंदर पाई जाने वाली कल्पनाओं को और ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान में उठी है उसका खंडन करना है, और भावनाओं को कैद करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर इज एन एडिशन बिहाइंड देन, फिर उसके बाद में मैं अपनी खाली मन को मसीह की आज्ञाकारी अभिषेक की अधीनता में उसकी सुनने और उसके निर्देश के अनुसार करने, ये हमारा कर्तव्य है। यदि मैं कल्पनाओं को, ऊंची बात को और भावनाओं को कैद करने में जो मेरा प्रयास है उसमें मैं सफल हो जाता हूं, और इस खाली मन को मसीह के अधीन आपके कार्यता में समर्पित कर देता हूं, इतने जॉब को मैंने अपने तरफ से करना है, इसमें परमेश्वर हमारी कोई मदद नहीं करेगा।
ये प्रभु मुझको दिल दे दे कि मैं तेरे सामने समर्पित हो जाऊं। प्रभु कहते हैं नहीं, दिल तो तुझे देना पड़ेगा, बाकी काम मेरा है। जब एक मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा कर चुके तब जाकर के परमेश्वर अगली कार्यवाही अपने हाथ में दे देते हैं। ये बात केवल यहां नहीं, वरन उसने इन कल्पनाओं और विचारों के मामले में बहुत पहले से अर्थात पुराने नियम में भी इस छवि को रखा है। यदि मैं यशायाह की किताब में आ जाऊं, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 55 55वां अध्याय और वहां छठवें पद को पढ़ने के बाद मुझे कुछ मिलता है। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 55:6 55वां अध्याय का छठवां पद, वहां लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है, अब एक बात बताइए, मान लो कोई चीज हमारी खो जाते हैं तो हम उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो कैसे ढूंढते हैं? ऐसे बैठ जाते हैं और आकाश की तरफ देखने से हमको खोया हुआ मोबाइल नहीं मिलेगा, वरन हम सामान को अलटाएंगे, पलटाएंगे, आगे झांकेंगे, पीछे झांकेंगे, नीचे झांकेंगे, वस्तुओं को हटाएंगे पर और अलग अलग काम हमको करना पड़ेगा। यही तो रखा था, यही तो रखा था, we have to do something to find our stuff। हमारा जो सामान खो गया है उसको खोजने के लिए हमको हरकत करना पड़ेगा। इसी तरीके से बाइबल कहती है यहोवा को खोजो, हमें कुछ हरकत करनी है। ये कौन सी हरकत है, कौन सा काम है जिससे कोई नूर को पाने का हम प्रयास करें? तब जब तक यहोवा मिल सकता है, इसका मतलब है जरूर एक समय काल है। हेलो, जब तक वो समय है तब तक हमारे प्रयासों से वो हमारे अनुभव में आ सकता है, परंतु एक समय होगा जब उसकी खोज के बाद वो हमको नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी एक लाइन बोल के चल पड़ते हैं आगे। वो समय कब तक है? जब तक मेरा यीशु अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है तब तक तो हम उसको खोजने से वह हमको मिलेगा, परंतु जब अनुग्रह के सिंहासन से उठकर के न्याय के सिंहासन पर बैठ जाएगा तब हमारी खोज व्यर्थ हो जाएगी, तब हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी मेरा प्रभु दया के सिंहासन पर विराजमान है, वह न्याय नहीं हुआ है। इसलिए जब हम ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं तो हम उसको खोजें, परंतु जब न्यायासन पर बैठ जाएगा और इस धरती के ऊपर जब प्रलय शुरू हो जाएगा, जब न्याय का दौर शुरू हो जाएगा, तब हमें परमेश्वर के पास आने और उससे ढूंढने और उसको खोजने में हम जितना भी समय खर्च करें शायद हमारी सफलता असफलता में बदल जाएगी। देर इज अ टाइम, आगे चले, उसको खोजते रहो और जब तक वह मिल सकता है उसको पुकारो। अब यहां पर परमेश्वर की खोज का विषय चलने के समय पर सातवें पद में एक कुछ नया सा चैप्टर चले आ रहा, वहां लिखा है दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। अब यहां पर दो बातें आ गई, दुष्ट अपनी चाल चलन का एटीट्यूड, विश्वास का काम नहीं, वो प्रारंभिक चीज है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अनर्थ करने वाला अपने सोच विचार को छोड़कर, फिर यहां पर कल्पना आ गई, ऊंची बात आ गई, दुष्टता के ख्याल आ गए,
मनुष्य अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे वह उस पर दया करेगा। अब यहां पर परमेश्वर की दया का आधार क्या है? कई बार हम कहते हैं नहीं 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 प्रभु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, वह हम पर दया करता है। आपका विश्वास बिल्कुल ठीक है, परंतु विश्वास के साथ साथ परमेश्वर कुछ है ना जो हमसे उम्मीद करता है। उसकी दया का आधार यदि सोच विचार नहीं बदलिएगा तो दया का अनुभव हमारे जीवन पर नहीं होगा। दया है बोल के जानकारी रखना एक अलग चीज है, पर दया को अनुभव में लाना एक दूसरी चीज है। हर एक व्यक्ति अपने अंदर को विचारों को आने देने के बावजूद भी ये विश्वास कर सकता है कि वो दयालु है और उसकी दया मेरे ऊपर में है। परंतु एक बात याद रखिएगा, अपने विचारों की उलझनों में रहने वाले व्यक्ति को यदि परमेश्वर के अनुग्रह की चर्चा यदि जानकारी में आ भी गई तो इससे उसे कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लाभ का आधार दया है ना, उस समय है जब एक व्यक्ति अपनी विचारों को छोड़े। लिसन बी केयरफुली, दिमाग के अंदर में उठने वाले चित्र कितने बहुमूल्य हैं, इस बात पर ख्याल रखें। सोच विचारों को छोड़ें और परमेश्वर की ओर वाले विचारों से परिचित हो जाएंगे तब दया हमारा एहसास बन जाएगी। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। यदि वो पूरी रीति से क्षमा करने की बात करता है तो अधूरी रीति से भी क्षमा मिली होगी। बहुत से लोग हैं जो अपनी गलतियों की जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने ये गलतियां की हैं, आप मुझे क्षमा करो। तो प्रभु कहते हैं क्षमा, श्राप से आजादी के विषय में हमने यही तो किया था। जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, और जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। नीति वचन 28:13 जिसको आपने पढ़ लिया है, अधूरी रीति से क्षमा मिलती है, और यदि पूरी रीति से क्षमा चाहिए तो हेलो, यदि एक व्यक्ति को पूरी रीति से क्षमा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की ओर फिर करके आना है, अपने ख्यालों को पीछे छोड़ना है, अपने दिमाग से उठने वाली कल्पनाओं का बहिष्कार करना है। थोड़ा हमें चिंतन करना पड़ेगा, जब कभी कोई काम मनुष्य करता है ना तो वह उसको सबसे पहले कल्पना में देखता है। आज मूड हो रहा है पिकनिक मनाने का, तब हम मोटरसाइकिल उठाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे, दो चार लोग बैठ करके चले जाएंगे नदी किनारे। भाई जब कल्पना ही नहीं उठी तो पिकनिक मनाने जाने का सवाल ही नहीं होता है। इसका मतलब है जब कभी भी कोई काम का निर्धारण किया जाता है तो उसको सोच में लाना सबसे पहली जरूरत है। यदि मन में विचार उठे ही नहीं कि आज मुझे बिरयानी बनाना है तो मटन मार्केट जाने का सवाल नहीं उठता है। हर काम का आधार कल्पना है। यदि आपके दिमाग में पूरी कल्पनाएं उठ रही हैं तो वह बुरे कामों की ओर इशारा कर रही है और भविष्य में हम बुरे कामों में लग जाएंगे। यदि हमारे दिमाग में भली भावनाएं उठ रही है तो हम उन भावनाओं का अनुसरण करें तो आप भला काम करना शुरू कर देंगे। काम का निर्धारण तो कल्पनाएं करती है। अब हम किस प्रकार की कल्पना आने देते हैं कि उन आधारों पर हमारे विचार काम निर्धारित किए जाएं? यहां पर बाइबल हमें कहती है अनर्थकारी विचार हमको अनर्थ काम की ओर ले जाते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को चाल बदलना ही बदलना है, दुष्टता से ईश्वरता की ओर फिरना है तो उसको यह निश्चय कर लेने मात्र से काम नहीं चलेगा कि मैंने आज के बाद दुष्टता के काम छोड़ दिए।
वरन हमको अपने मन से दुष्टता के विचारों को अलग करना है और सत्य विचारों को आने देने के लिए रास्ता खोलना है, तब जाकर के अगले चरण में हम अपने बुरे कामों से अपने आप को आजाद करके सही कामों की ओर ले आते हैं। परमेश्वर की खोज में काम की बहुत ज्यादा वैल्यू है और इस काम को निर्धारित करते हैं हमारी कल्पनाएं। इसलिए चाल चलन और अनंत कार्य अपने सोच विचारों से छूट कर यहोवा की ओर फिरे, तब वह उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वह पूरी विधि से क्षमा द फुल फॉरगिवनेस आगे चले, क्योंकि यहोवा कहता है। अब बड़ी दिक्कत है परमेश्वर के सामने जो हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है, साफ रीति से कहता है इस बात के द्वारा वो दबाव दे रहा है। यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना मेरी गति तुम्हारी गति के समान है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति या काम करने के तरीके में और मेरे और तुम्हारे सोचों में विचारधाराओं में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब यहां पर प्रभु हमको विचारों को क्यों हाईलाइट करना चाहते हैं, इसका मतलब सुनिश्चित है कि परमेश्वर के ख्याल मनुष्य के ख्यालों में आसमान और जमीन का अंतर होना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे कोई उम्मीद करता है कि तुम्हें अपनी कल्पनाओं का बहिष्कार करना है और ईश्वरीय कल्पनाओं को अपने अंदर आने देने का काम आपके हाथ में है। परमेश्वर इसमें हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल और तुम्हारे ख्यालों में आसमान और जमीन का अंतर याद रखिएगा। अब यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के ख्यालों से विचारों से कल्पनाओं से अवगत होना चाहता है तो सबसे पहले अपनी कल्पनाओं के ऊपर अपने विचारों के ऊपर अधिकार पाना होगा। आज सब लोग विश्वास करने की बात कर रहे हैं, बाइबल पढ़ने की बात कर रहे हैं, दुआ करने की बात कर रहे हैं, अपने आप में ये बहुत अच्छा है, परंतु इन सब बातों का आधार है क्या? इसका आधार है मन के अंदर उठने वाली कल्पना। इसीलिए कल भजन का भजन संहिता 5 और उसके दूसरे अध्याय के सेकंड पार्ट में राजा दाऊद कहता है कंसीडर माय मेडिटेशन, मेरे ध्यान करने को चित लगा। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं दाऊद राजा अपने आप को अपनी कल्पनाओं को अपने अंदर आने देने से रुकावट पैदा करने का प्रयास करते रहे हैं। याकूब नाम का एक परमेश्वर का दास पुराने नियम है, जब इब्राहिम ने अपने दास एलियाजर को बोला कि मेरे पुत्र के लिए पत्नी लेके आ, तब एलियाजर रबेका को लेके आ रहा था। बाइबल कहती है इसहाक ध्यान करने के लिए मैदान की ओर जा रहा था और दूर से उसने ऊंटों का काफिला देखा और उस ऊंटों में से एक स्त्री उतर करके दंडवत करती है याकूब को, इसहाक माफ कीजिए इसहाक को। तो इसहाक करने क्या गया था? ध्यान करने। पूर्व काल में लोग परमेश्वर से जुड़ने के लिए अपने आप को संसार से अलग ले जाया करते थे, जहां कोई शोर नहीं, जहां कोई कल्पना, जहां हमारी कल्पनाओं में विघ्न पैदा करने वाली परिस्थिति नहीं। कुछ इसी तरीके से प्रभु हमको
इस प्रकार की बात कहते हैं। ये बातें बहुत साफ रीति से नजर आती हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब बहुत से धर्म के मानने वाले यहूदी जो मूसा की आज्ञा का पालन किया करते थे और वह परमेश्वर के बारे में मूसा की आज्ञाओं को परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता समझते थे, तो एक नियत समय तक तो मूसा के द्वारा निर्धारित आज्ञाएं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए लागू होती थी, परंतु वो समय सुधार के समय के पहले तक की परिस्थितियां थी। परंतु एक समय के बाद पिता परमेश्वर मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक दूसरी व्यवस्था जो यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में स्थापित की जानी थी उसका पहली पहल प्रचार का काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा किया। प्रभु ने साफ ये कहा कि मैं मूसा की व्यवस्था को मिटाने नहीं वरन मूसा की व्यवस्था को पूरा करने आता हूं। जब ये नई नई आत्मिक व्यवस्था संसार में प्रसारित की गई तो बहुसंख्यक लोग परमेश्वर की योजना को नई व्यवस्था के रूप में स्वीकार करने के बजाय उसको इनकार करने लगे। तब प्रभु यीशु उन लोगों को जिन्होंने नई वाचा को स्वीकार नहीं किया उनको इस रीति से डांटता है और ये शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में और उसके 37वें पद में पढ़ने से मिलता है। यहां लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो शारीरिक रीति से, ठीक है, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। वह उन तमाम यहूदियों को फरीसियों को जो यीशु मसीह के सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें वो कह रहा है, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। बहुत गहरी बात है, चोटी की बात है। प्रभु जी का कहना है उन धर्म के अगुओं के लिए जो मूसा की व्यवस्था को अब तक मानते रहे हैं, परंतु जब नई व्यवस्था सामने आ गई तो जिन जिन लोगों ने पुरानी व्यवस्था के आधार पर नई व्यवस्था को मानने में अपने आप को तैयार नहीं किया उनको प्रभु जी ने कहा तुम अपने पिता से और मैं अपने पिता से, तो क्या आप दो पिता हो गए? प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि मैंने अपने पिता से सुना है, तो यीशु का पिता ही तो हमारा पिता है ना। परंतु यदि यहूदियों को वही वो कह रहा है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आने वाले अनुग्रह का बहिष्कार कर दिया, तो उनको प्रभु जी बोलते हैं तुम अपने पिता के अनुसार करते हो, तो उनका पिता अलग हो गया, तो कौन हो गए ये दो पिता हैं संसार के अंदर में? एक तो जिसने दुनिया बनाई है वो पिता है और दूसरा वो जिसको सत्य पिता को बहिष्कार करने वालों का पिता कोई और ही हो जाता है, नाम लेना में उचित नहीं समझूंगा। कहने का मतलब ये हो गया यहूदी लोग परमेश्वर के सत्य को यीशु मसीह के अंदर नहीं पहचानने के द्वारा अपितु वे पहले वास्तव में ओरिजिनल पिता के द्वारा आशीष के रास्ते का चुनाव किए हुए थे, परंतु जब पुरानी व्यवस्था का खंडन होने का समय आ गया और नई व्यवस्था आ गई तब नई व्यवस्था के नहीं मानने वालों का पिता जो यहोवा परमेश्वर है अब बदल जाता है और वे किसी और के पुत्र गिने जाने लगते हैं। कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं में परमेश्वर की बातों को नहीं आने देना हमारे पिता के बदलने के समान है। एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, जो जो लोग परमेश्वर
ईश्वर पिता के ख्यालों में एक हो जाते हैं, उनका पिता जिसने दुनिया बनाई है वो हो जाता है। और जितने लोग परमेश्वर के ख्यालों से दूर वाले ख्यालों में चले जाते हैं, उनका पिता वो नहीं हो सकता जिसने दुनिया बनाई है। यदि वो नहीं है तो जरूर कोई दूसरा होगा, और वो कौन हो सकता है? आप आज की दोपहर और सुबह अपने बारे में चिंतन कर लीजिए, आपके विचार आपको किसका बेटा होने की दावा दे रहे हैं। हम दुआ करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, यहूदियों को आपने यहोवा परमेश्वर का पुत्र होने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपने पिता से जो देखता हूं वही कहता हूं, और तुम अपने पिता से जो देखते हो वही करते हो। प्रभु इसके द्वारा हमारी कल्पनाएं इस बात का प्रमाण देती है कि वास्तव में हमारा पिता पवित्र है या वही संसार का है। हमें इस भेद को समझ आने दीजिएगा, यीशु नासरी के नाम से।